हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीआरजी गेमर्स। तो गाइस, मुझको मिल चुका है ये बंडल, तो मैं बताऊंगा पूरी डिटेल और जो न्यू इवेंट आए उसके बारे में भी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो आगे देखने से पहले पीआरजी गेमर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, सबसे पहले जो हमारा इवेंट या बंडल बोल सकते हैं, जो कि डायमंड रॉयल का है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कल और परसों दो वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था इस बंडल के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यार काफ़ी अच्छा बंडल है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कम, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो इसका मास्क है ना, ये बहुत ही पसंद आ रहा है। क्योंकि जो जो इलाइट पास वन था ना हमारा, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि इसका जो बंडल है यार, बिल्कुल वैसा ही है, मुझे तो इस तरह का लगा बंडल तो नहीं, सॉरी, जो मास्क है सिर्फ। तो यार मैं काफ़ी चीज़ें गलत मलत बोलता जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करो यार। तो गाइज, इसका जो पूरा का पूरा जो बंडल है काफ़ी अच्छा, लेकिन सबसे अच्छा जो है इसका मास्क है। तो मुझे तो काफ़ी मास्क पसंद आया और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो रॉयल भी पड़े हुए हैं, डायमंड रॉयल, तो मैं वेस्ट करूँगा। ऊपर डायमंड भी मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, 250 डायमंड। तो देखते हैं कि ओ भाई साहब, गोल्डन बॉक्स ने, ये क्या भाई यार, ये क्या ड्रामा है यार। गोल्डन बॉक्स दिया था इन्होंने यार, फिर ये ऊपर फ्रेगमेंट दिया, वो भी एक फ्रेगमेंट, अजीब ड्रामा है यार। पहले ग्रीन ऑफ फ्री फायर खुश कर दिया, पहले क्या मेरा डायमंड वो निकला है गोल्डन बॉक्स, तो बच में कुछ भी निकला। अबे यार शिट, अभी क्या बचा ही नहीं है मेरे पास, अब मैं क्या करूँगा। लेकिन गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ ये बंडल बहुत ही अच्छा है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो जाके अपना जो एफएफ टोकन से एक्सचेंज करें। अगर कोई डायमंड वेस्ट करना चाह रहा है तो उसको सबसे अच्छा आइडिया बताऊँ, जाके वो वाउचर ले, वो जो हमारे बॉक्स आए हुए जिसमें हमारे निकल सकते हैं 10-10 डायमंड, सॉरी 10-10 वाउचर। तो आप जाके परचेज़ करें उसको, यानी कि वो 40 डायमंड का एक बॉक्स होगा, उसमें आपका एक बॉक्स 2-3-4-10 भी निकल सकते हैं, लेकिन उसका आपका रैंडमली होगा। आपका डायमंड भी निकल सकता है, डायमंड वाउचर, वेपन वॉचर और इनक्यूबेटर वॉचर। तो मैं तो आपको आइडिया दूंगा वहाँ से परचेज़ करें, और आप एफएफ टोकन से भी परचेज़ कर लें और ट्राई करें कि शायद कि आपका निकल जाए, अगर आपका लक अच्छा होगा। तो मैंने फिर से किया ओपन, तो पैराशूट तो कुछ नहीं निकला। तो ग्रीना वालों दे दो यार प्लीज़ दे दो यार। एक तो बंडल इतना मुझे पसंद आया है, ऊपर से दे नहीं रहे हो। काफ़ी सारे मैंने वॉचर भी लगा दिए, एफएफ टोकन भी लगा दिए, तो मुझे उम्मीद नहीं है। ओ भाई निकला है फिर से गोल्डन बॉक्स, क्या बोल सकते हैं भाई, अभी मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं क्या बोलूं अब, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा यार वीडियो बनाने का यार, क्या ड्रामा यार। पहले भी मैं गोल्डन बॉक्स इतना खुश, ये तो सफ़ा ना बिल्कुल डराने वाली बात कर रहे हैं, आदमी इतना खुश हो जाए कि भाई लोग निकल आया गोल्डन बॉक्स, जब निकले अंदर एक फ्रेगमेंट, तो फिर से वो यार वो टोल साउंड लगाना चाहिए जो रोने वाला होता है। तो गाइस क्या कर सकते हैं भाई, चलो बाद में देखेंगे जब थोड़ा डिस्काउंट आएगा इसको। तो बात कर लेते हैं हमारा जो ट्रेजर हंट है, जिसमें गेट रेडी टू हंट, जिसमें हमें एक स्कार जो कि 24 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद हमें एक मिलेगा अवतार, उसके बाद पूरा का पूरा बंडल जो कि परमानेंट होगा भाई लोग। लेकिन बता दूँ कि ये जो बंडल है पहले भी आ चुका है दूसरे सर्वर में, आज से तकरीबन एक मंथ पहले ये मिल चुका है दूसरे सर्वर को, लेकिन हमें दिया जा रहा है अब। जब बिल्कुल पुराना हो जाता है मॉडल तब हमें मिल जाता है, सेकेंड हैंड चीज़ दे रहे हैं। तो गाइस खैर है, हमारे सर्वर में तो बिल्कुल न्यू है, तो चलाएंगे इसको भी, पहनेंगे कुछ दिन के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। तो इसमें आपको करना क्या है, ये 1 वीक के लिए पूरा इवेंट आया, तो आप बिल्कुल ईजिली आपको कम्प्लीट कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि 5 गेमें खेलनी है, जाना है कहीं भी ड्रम के साथ जाके मर जाना है, वापस आ जाओ, उसके बाद फिर से आपने जाना है, यानी करके आपने 20 गेम्स को इस तरह ही करना है। सिंपली जाके मैं तो ये करता हूँ कि मैं या तो कूलिंग टावर के ऊपर उतरता हूँ, जंप लगाता हूँ एलिमिनेट, या ड्रम के पास जाके अपने आप को किल कर लेता हूँ। सबसे अच्छा आइडिया यही है कि आप जाके अपने आप को किल कर लें, इस तरह बैक नहीं करना, अगर बैक करेंगे तो वो कम्प्लीट नहीं होगा। तो हम चलते हैं गेम में और आते हैं वापस और आपको दिखाते हैं बंडल किस तरीके का है। तो गाइज हमने कर लिए हैं कम्प्लीट 20 गेम्स। तो गाइज हमें मिली है सबसे पहले स्कार, जो स्कार के इतनी ही नहीं, जितना मुझे याद है शायद इसमें एक्यूरेसी थी, बाकी कुछ रेंज कम थी, तो इतनी ख़ास नहीं है क्योंकि है भी 24 घंटे के लिए। तो कल जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा बंडल है जो कि फ्री मिलने वाला है, जो कि फुल गोल्डन कलर का है और बहुत ही अच्छा बंडल है। तो गाइस मुझे जो ये मैंने सूट पहना है, ये फाइनली मुझे जो मैजिक क्यूब से मिला, जो कि हमारे 25 बेजीज होते हैं जो कि एलाइट पास का। मैजिक क्यूब तो देते नहीं है मेरे को, क्या करें, 2 साल हो गए मैजिक क्यूब के पीछे घूमते हुए, आज तक नहीं मिला। तो मुझे ये कपड़े मिल गए, तो मैं इसी से भी बहुत खुश हूँ यार, मुझे चलो शुक्र है डायमंड रोल की जगह ये दिया। तो 25 बेजीज फिर करके देखेंगे शायद के हमको मिल जाए मैजिक क्यूब इलाइट पास वाले सेक्शन में।
तो देखेंगे यार तब की बात है। तो हम चेक कर लेते हैं बंडल, तो इस बंडल किस तरीके का दिखता है, और इसके बाद जो कुछ और भी अपडेट है वो भी मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा। तो गाइज ये रहा वो बंडल, तो यार मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, इतना वैसे पिक्चर में इतना खास नहीं लग रहा था, लेकिन पहनने के बाद तो भाई सफ़ा, समझ सकती हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, सफ़ा जहर है जहर। तो यार बहुत ही अच्छा बंडल लगा मेरे को, तो मैं तो कोशिश करूँगा पूरा का पूरा अपना कस्टम को बोलूँ 50 बंदों को ये वाला बंडल पहन के आ जाऊँ, तो भाई मज़ा आने वाला है। तो गाइज़ ये देखें कैसा ज़बरदस्त है यार, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो क्या है फेटल ब्लेड मोड, जो कि फेटल ब्लेड मोड है वो ऑलरेडी जो हमारा एडवांस सर्वर हमको दिया गया था, जो कि था दिसंबर में, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, तो उसमें फेटल मोड को ऐड किया गया था, फेटल ब्लेड मोड। तो गाइज़ थोड़े बहुत वर्ड मेरे से आगे पीछे हो रहे हैं, तो गलती से आगे पीछे हो जाता है, तो सॉरी। तो गाइज़ ये रहा न्यू गेम मोड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें वो जैसे जोम्बी मोड था सिंपल वही होगा और कुछ भी खास नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्टर थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि ऊपर बना हुआ देख सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो आपने अगर क्लेम करना है तो आज जो आप जाकर क्लेम करेंगे लाइट पास के ऊपर जाकर, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया छोटा जो कि वर्ड का ऑप्शन बना हुआ है जिसके ऊपर एक छोटा सा माउस वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगी XMH और VSS 24 घंटे के लिए, जिसका कोई एक्स्ट्रा डैमेज नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली मिलेगी 24 घंटे के लिए। उसके बाद फाइनली जब ये बैजेस मुकम्मल हो जाएंगे, ऊपर देख सकते हैं कि होने वाले, तो हो जाएगा अनलॉक न्यू मोड, जो कि पहले जोम्बी मोड था, जिसमें जोम्बी मोड के अंदर भी तो हमें, लेकिन उसमें हमें बंडल मिल रहा था, जो कि अभी कुछ दिन पहले हमें कोई फेरेड व्हील जो आया था इवेंट शायद वो था, थोड़ा चेंज था, जिसमें हमें जोम्बी बंडल मिल रहा था उसमें, तब वो मिल रहा था। तो देखना ये है कि इस वाले हमारे जो मोड में हमें कुछ बंडल देखने को मिलते हैं कि नहीं, तो देखेंगे जब हमारी गेम में आएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय फ्रेंड।